हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टीचिंग robot.com। आरआरबी सीबीटी 2 जेई में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और आपके डेट्स भी अनाउंस हो गए हैं। ऑलमोस्ट अब 10 से 12 ही दिन बचे हैं और मैंने जो नॉन टेक की जो पार्ट है, जैसे 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आने हैं, इसके लिए एनवायरनमेंट की पोर्शन को ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया है। आज मैं सबसे लास्ट जो आपका टॉपिक है और जो सिलेबस है उसके सबसे लास्ट टॉपिक को मैं कवर करने जा रही हूँ और इसका वीडियो अब बहुत ही सारे के सारे आपके अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे और ये लास्ट वीडियो है जो आपका ग्लोबल वार्मिंग पे है। तो इसको अब आप इसको देखिए और अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए। ये देखिए कॉमन पेपर्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 और मार्क्स फॉर दिस सेक्शन जो है वो 50 होने वाले हैं। और सबसे पहले मैं एनवायरनमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आरआरबी सीबीटी 2 के दूसरे पार्ट के लिए, तो मैंने ये मैंने सच में ही सारे कर दिए हैं आपके। और ये टॉपिक जो है लास्ट है बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल का। इससे पहले मैं आज के जो इस टॉपिक के बारे में बता रही हूँ, इससे पहले मैंने सबको कवर कर दिया, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट को, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को, एसी ड्रेन को, एयर नॉइज, वाटर पॉल्यूशन, देयर इफेक्ट एंड कंट्रोल को, सबके सेपरेटेड वीडियो मैंने बनाए हैं, वेस्ट मैनेजमेंट को, ओजोन डिप्लीशन को, और लास्ट अब ये बच गया है आपका ग्लोबल वार्मिंग को। तो इसके बाद एक और आ रहा है पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रैटेजीज। तो ये पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रैटेजीज जो है ना, मैंने इन्हीं तीनों के अंदर डाल दिए, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन, तीनों में ये डल गए हैं सारे इस टॉपिक को। तो अब ये जो है ग्लोबल वार्मिंग मेरा लास्ट ये बच रहा है। चलिए हम ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के बात करते हैं। ये बहुत ही बड़ा इशू है वर्ल्ड का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम यहाँ से पहले क्वेश्चन से हम शुरू कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग आल्सो रिफर्स टू एज, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, क्लाइमेट चेंज। ये पूरे क्लाइमेट को चेंज कर दे रहा है ग्लोबल वार्मिंग। तो थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ मैं। इट रिफर्स टू एन इंक्रीज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, यानी ग्लोबल टेम्परेचर का जो एवरेज वैल्यू है इसको ये इंक्रीज किया है इसने, विच इन टर्न काउज क्लाइमेट चेंज, इसकी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग इज अ स्लो एंड स्टेडी राइज इन अर्थ सरफेस टेम्परेचर, टूडेज टेम्परेचर आर 0.74 डिग्री, यानी कि 1.33 डिग्री फ़ारेनहाइट हायर देन 150 ईयर्स एगो। जो हमारा 150 साल पहले का जो टेम्परेचर था उससे 0.74 डिग्री सेल्सियस जो है आज का टेम्परेचर हाई हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस पार्ट से पहले हमें बेसिक समझना चाहिए, तभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ये ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर। ग्रेजुअली, एक दिन ऐसा नहीं है कि एक दिन से एकदम बुम सा कोई टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, नहीं, ये ग्रेजुअली, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। इसको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग इज ऑब्जर्व सेंचुरी स्केल राइज इन द डैश ऑफ द अर्थ क्लाइमेट सिस्टम, तो ये क्या है भाई, ये है एवरेज टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीसिपेटेड इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि राइजिंग सी लेवल, चेंजिंग प्रेसिपिटेशन और एक्सपेंशन ऑफ डिजर्ट, जिस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ऑप्शन ए द वार्मिंग ऑफ अ प्लैनेट ड्यू टू ट्रैप्ड रेडिएशन, जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा अच्छा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस, CFCs, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन, यानी कंबाइंडली ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कि क्या क्या है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, CFCs, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड ओजोन्स आर ग्रीन हाउस गैसेज। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डू ग्रीन हाउस गैसेज कॉज ग्लोबल वार्मिंग, तो ऑप्शन ए व्हेन देयर कंसेंट्रेशन इज इनहैंस, जब इनके कंसेंट्रेशन हाई हो जाते हैं तब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सन ऑफ द अर्थ, तो ये 50% को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द फेनोमिनन व्हेन द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर इज री रेडिएटेड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ऑप्शन डी ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगला क्वेश्चन, UNFCCC स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये UNFCCC का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस,
तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, पहले पढ़ा चुकी हूँ। इससे पहले बताया मैंने मीथेन भी है, लेकिन ये नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, तो ऑप्शन सी जो है नाइट्रस ऑक्साइड, वो ग्रीन हाउस गैस नहीं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ द फॉलोइंग कंट्री या कंट्रीज इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटेस्ट एनुअल CO2 इमिशंस। तो बोथ ए एंड बी, USA और चाइना इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ऑब्टेन ड्यू टू कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। तो ऑप्शन सी काउज ग्रीन हाउस इफेक्ट। विच इज द मोस्ट एवेडेंटली फाउंड ग्रीन हाउस गैस, तो सबसे ज्यादा वाटर वेपर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, इज एट इज इट ट्रू और फॉल्स। यस दिस इज ट्रू, इसको भी एक्सप्लेन किया मैंने यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन डी इथेन। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन डिड ग्रीन हाउस इफेक्ट डिस्कवर्ड, इट वाज 1896। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी डू नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये तीनों के तीनों जो है कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विदाउट द अर्थ एटमॉस्फेयर द अर्थ एवरेज टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो द डैश टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो ऑप्शन बी इट्स फ्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर डू ग्रीन हाउस गैसेस कम फ्रॉम, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, यानी फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इमिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फ्रॉम मोटर व्हीकल एंड इंडस्ट्रीज एंड बर्निंग ऑफ कोल, ये सारे के सारे जो है ना सबकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बनते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा यहाँ पे है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 21, आर ऑल ग्रीन हाउस गैसेज इक्वली एज इफेक्टिव एज ट्रैपिंग हीट, तो ये ऑप्शन बी फॉल्स है, यहाँ पे बहुत ही इलेबोरेटेड वे में इसको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेज इंट्रैक्ट विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, तो सन्स एनर्जी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज द मेन फीडबैक गैस ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इट्स वाटर वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इज मेड अप ऑफ डैश, तो ये ग्लास का बना होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट अकर्स टू बॉडीज अदर देन अर्थ, ये सही है गलत है, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28, कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट्स डैश परसेंट इन टू ग्लोबल वार्मिंग, तो इसकी परसेंटेज है 42-45%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विल इमिट मैक्सिमम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन द सेम क्वांटिटी इज बर्न्ड ऑफ ऑल ऑफ देम, तो ऑप्शन ए केरोसिन। तो यहाँ आपके टोटल एनवायरनमेंट के सारे सिलेबस को मैंने कवर कर दिया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एनवायरनमेंट बहुत ही कम टाइम में आप यहाँ से प्रिपरेशन करें, ये तो नहीं कह रही कि 100% आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, लेकिन पूरी कोशिश है हमारी कि आपके जो भी बेसिक क्वेश्चन आपके किए जा रहे हैं RRB CBT2 के लिए, एनवायरनमेंट के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो जाएं और आप बहुत ही कम टाइम में इसको अच्छे से प्रिपरेशन करें और अच्छा स्कोर करें। बेस्ट ऑफ लक।